हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आपने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आ गए अभी तो, क्योंकि एक ऐसी भर्ती आ रही है IRB भर्ती 2023, जिसके अंदर टोटल पोस्ट बताई जा रही है 17,000। तो इसके बारे में आप केवल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपको ये बताया जा रहा है, वो वाह। देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी भर्ती के बारे में बताऊंगा और क्या कहा है IRB, क्या है, स्थापना कब हुई थी, कहां इसको नौकरी करनी पड़ती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, हाइट क्या रहती है, वर्दी कौन सी मिलती है, पेपर में क्या आता है और रेस कितनी होती है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो आप इस ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों बात करता हूं यहां पर IRB। देखो मेरे दोस्तों, IRB क्या, IRB की स्थापना हुई थी 2001 के अंदर। कब हुई थी? 2001 के अंदर IRB की स्थापना हुई थी, याद रखना 2001 के अंदर। ये सवाल से भी एक जीके का, और वैसे भी आपको कोई भी भर्ती हो उसके बारे में यदि आपको पूरा नहीं पता तो फिर उस भर्ती होने का क्या मतलब है। जिस तरीके से आसाम राइफल, मान लो BSF, मान लो BSF के बारे में सभी को बताया भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या आप ये बॉर्डर के ऊपर नौकरी करते हैं, साथ में चुनाव की माहौल वगैरह में ड्यूटी करती है। पर IRB कोई यूट्यूबर ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको पूरी डिटेल से बता सके, पर ये वीडियो आपको पूरी डिटेल से बताएगा और मैं आपको पूरी डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। बात करते हैं IRB क्या है। IRB है इंडियन रिजर्व बल, यानी इंडियन रिजर्व है आपके बटालियन, या इसको बोलते हैं आपके यहाँ पर जो भी है, मान लो इंडियन रिजर्व बटालियन या बल बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे इसको बल बोलते हैं, इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है। मतलब मैं बता दूं, ये नौकरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पर हर एक स्टेट में IRB की कोई बटालियन आपके यहाँ पर जवान मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर या तो स्टेट्स की राजधानी मिल जाएंगे या फिर कोई अलग जिले में आपको मिल जाएंगे जिसमें IRB के जवान मिल जाएंगे। मैं बता दूं मेरे दोस्तों, अभी ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि 17,000 पोस्ट के ऊपर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है कि IRB की भर्ती हो। IRB की भर्ती, पिछली भर्ती कब आई थी? आज से 4 साल पहले आई थी, और अभी IRB की न्यू भर्ती आ रही है, वो आ रही है 17,000 प्लस पोस्ट के ऊपर। IRB का काम क्या होता है? IRB का काम है मेरे दोस्तों चुनावी माहौल को शांत, यानी चुनावी माहौल में ड्यूटी करना, शांति व्यवस्था कायम रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी उस स्टेट में काम है वो आना, साथ में जैसे मान लो कोई रैली वगैरह होती है प्रधानमंत्री वगैरह की, तो उनको आपको सही तरीके से उनको रैली वगैरह कराना, ये IRB के काम होते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम होते हैं? IRB के काम होते हैं। साथ में बता दूं यहाँ पर नक्सलवादी क्षेत्र में भी IRB बहुत ही गहन तरीके से काम करती है, ठीक है ना। ये एक पुलिस फोर्स है जिससे आपका BSF, CRPF, CISF है, उसी तरीके से आपकी ये फोर्स है, बस उनको गृह मंत्रालय अधीन करता है और इनको आपका डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अधीन करता है। अब बात करते हैं इसके अंदर वर्दी कौन सी मिलती है। तो वर्दी की बात करो, वर्दी इंडियन आर्मी की वर्दी मिलती है, इंडियन आर्मी की जो वर्दी होती है वैसी वर्दी मिलती है, केवल अभी इंडियन आर्मी की चेंज हो चुकी है, पुराने वाली वर्दी वो मिलती है। और यहाँ पर IRB का लोगो रहता है, यहाँ पर IRB का लोगो रहता है, इंडियन आर्मी की तरह लोगो रहता है, बल्कि नीचे IRB लिखा होता है, इंडियन आर्मी नहीं लिखा होता, यह आपका वर्दी मिलती है, ठीक है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, पूरी भर्ती ऑल इंडिया पर आती है। ये नहीं कि आपको यहाँ पर भाई ऑल इंडिया की भर्ती नहीं, ऑल इंडिया की भर्ती नहीं, अलग अलग स्टेट्स आएगी स्टेट्स का नहीं, ये ऑल इंडिया की भर्ती आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती ये होती है मेरे दोस्तों। नौकरी कहाँ करनी है तो बता दू आपको, सभी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आप कहीं भी नौकरी करने जा सकते हो। ये नहीं कि आप मान लो राजस्थान से हो तो राजस्थान से आप लोगे तो राजस्थान से नौकरी करोगे, नहीं दोस्त, कहीं भी आप ऑल इंडिया में कहीं भी आप नौकरी करने को आपको बोल सकते हैं भाई, आपको वहां पर नौकरी करनी है और आपको नौकरी वहां पर करनी पड़ती है। ये IRB का काम होता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो कोई भी भर्ती हो, उस भर्ती का यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है तो उस भर्ती में आप कभी भर्ती नहीं हो सकते। अब बात कर लेता हूं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसके अंदर मैं टॉपिक यहां पर कवर करूंगा, हाइट क्या रहती है ये मैं कवर करने वाला हूं, आपका यहां पर पेपर रेस कितनी होती है ये मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये दोनों में आपको कवर करने वाला हूं। इसके अंदर सबसे पहले जो 4 साल पहले भर्ती आई थी उसके अंदर सबसे पहले आपकी एग्जाम हुई थी, पर इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने इसको चेंज करके आपका यहाँ पर कर दिया, पहले आपका फिजिकल कर दिया है, फिजिकल आपका PT यानी PST और आपका PT कर दिया, जिसका बोले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कर दिया, जिसको मैं बोलूं तो भाई PT और आपका यहाँ पर PST यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट ध्यान रखना,
5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में क्लियर करनी होती है। कितने मिनट में? 24 मिनट में क्लियर करनी होती है। और फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की रेस आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में आपको क्लियर करनी रहती है। ये आईआरबी का पहला प्रोसेस है। यदि आप आईआरबी में भर्ती होना चाहते हो तो आपका यहाँ पर जानना इंडियन रिजर्व बटालियन में आप भर्ती होना चाहते हो तो आपके यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस ये रहती है। इसके बाद है आपका होता है हाइट, जो कि हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए रहता है 170 सेंटीमीटर। क्या रहता है? मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, सॉरी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहता है 157 सेंटीमीटर। कितना? 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी वगैरह सबको यहाँ पर छूट दी जाती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल को कोई यहाँ पर छूट नहीं दी जाती। बात करता हूँ यहाँ पर मेरे दोस्तों आगे आपका यहाँ पर चेस्ट कितना रहता है, तो चेस्ट आपका यहाँ पर बता दूं, चेस्ट आपका 80 से 85 नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए। कितना? 80 से 85 आपका नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर वेट कितना रहता है। वेट आपका 50 केजी रहता है। कितना रहता है? वेट आपका 50 केजी इसका रहता है। यह आईआरबी का फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है, जिसके अंदर आपका आता है भाई पेपर, जिसको हम बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं पेपर। देखो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। पेपर के में क्या आता है? पेपर में क्या आता है? देखो पेपर में क्या आता है, पेपर में आपको बता दूं, पेपर में आपका यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर आते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग मैं बात करूं, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। मैथ जिसके हम बात करूं, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जीके एंड जीएस जिसको बात करूं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और आपका यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जो आपकी भाषा है उसमें आप चूज कर सकते हो, 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। यह आपका आता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया रहता है, इसके अंदर आपका टाइम भी 2 घंटे का रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है, ठीक है। यह आपका सेकेंड स्टेप है। इसके बाद में यहाँ पर होता है आपका डीएमई, जिसको हम बोले डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और इसके बाद में होता है आरएमई, जिसको हम बोले री मेडिकल एग्जामिनेशन। और इसके होने के बाद आप यहाँ पर आईआरबी के एक जवान बन जाते हो। आईआरबी की सैलरी की मैं बात करूं तो आईआरबी की सैलरी 21,700 बेसिक पे से लेकर 70,000 रुपए तक रहती है। लगभग आप यदि आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो आपकी 35,000+ आपकी सैलरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और बाद में आपके अलाउंस वगैरह मिलते रहते हैं, जितने आप घर से दूर ड्यूटी करोगे उतने आपके अलाउंस यहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, 35,000+ आपकी सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ, मैंने बता दिया पूरी डिटेल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होगी। आपकी क्वेश्चंस कवर करना भी बहुत जरूरी है। बात करूं यहाँ पर देखो आईआरबी क्या है, मैंने बता दिया कौन कौन फॉर्म भर सकते हो बता दिया, नौकरी कहाँ करनी होती है बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, हाइट मैंने बता दी, वर्दी कौन से मिलती है बता दी, पेपर में क्या आता है वो बता दिया, रेस कितनी होती है वो बता दिया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये चीज मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों आपको बता दूं आईआरबी के अंदर फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो बात अलग है। पहले झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है, झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपका जुलाई 2024 से पहले पहले 17,000 जवान आपके आईआरबी में भर्ती हो जाने चाहिए। कितने? 17,000 जवान आपके आईआरबी में भर्ती हो जाने चाहिए जुलाई 2024 से पहले पहले। जहां तक मेरा अनुमान है एक भर्ती को होते हुए एक साल लग जाता है, और इसी भर्ती में बात करूं तो अगस्त में आपका इसका फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अगस्त में फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब देखो फॉर्म के लिए क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, आपकी योग्यता क्या होगी, यह भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल देता हूँ। योग्यता की मैं बात करूं तो आप सिंपल 10th पास हो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिंपल 10th पास आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में बात करूं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर ध्यान रखना सिंपल 10th पास। एज की मैं बात कर लेता हूँ तो एज आपकी यहाँ पर ध्यान, एज मैंने ले ली, एज की मैं बात कर लेता हूँ, आपके यहाँ पर 18 से 25 साल एज रहती है जनरल कैंडिडेट। कितनी? जनरल कैंडिडेट 18 से 25 साल। और आपका एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट, यानी कि 18 से 30 साल। और आपके यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को 18 से 28 साल की एज रहती है। यह आपकी आईआरबी में एज रहती है, ठीक है। जब भी इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फॉर्म भरने का वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब बता दो यदि आपको कोई कमेंट्स रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो तो मेरे को बता सकते हो। अब यह फॉर्म आपका जब भी चालू होगा तो मैं बता दिया जाएगा। ये सारे डाउट मेरे को बताए किसी यूट्यूबर ने आप क्लियर नहीं किए होंगे, मैंने आप ये क्लियर कर दिए। यदि क्लियर कर दिए तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, यदि नहीं किया तो आप यह वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाए। बाकी देखो आईआरबी की भर्ती जब भी आएगी तो आपका भाई आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी आपको दे देगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।